चलिए तो नेक्स्ट क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर 4 है ना, ये चैप्टर नंबर 4 इट इज ऑल अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, सो इन आवर डेली लाइफ वी कैन सी मेनी कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन। फॉर द एग्जाम्पल इफ इज ए पेपर, ठीक है, पेपर इज मेड ऑफ वुड। ओके, अगर लकड़ी देखें अपन, वुड, ब्रेड हम देखें, ठीक है, अपने आसपास के माहौल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें कार्बन है। ठीक है, वेन दीज कंपाउंड्स आर बर्नड इन एयर, ठीक, अगर हम जलाते हैं इन कंपाउंड्स को तो व्हाट विल हैपन, ये जलेंगे, ठीक है, ये यहां से फिर ब्लैक रेजिड्यू मिल जाता है हमें, ठीक है, साथ में हम ये देखेंगे कि गैस निकल रही है तो CO2 गैस यहां से बाहर निकलती है। CO2 गैस जो होती है वो होती है कलरलेस एंड ऑडरलेस, ठीक है, इसलिए हम इसको फील नहीं कर पाते हैं। इवन जो हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो CO2 गैस जो है ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, CO2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है। और ये CO2 गैस ही बाहर कैसे निकलती है कि अपनी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो एनर्जी देने के लिए बर्न होता है एंड ग्लूकोज कंटेंट्स कार्बन, ठीक है, तो अपनी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है या दूसरी चीजें जो एनर्जी देने वाली, ठीक है, तो वहां पे जो कार्बन पड़ा हुआ है दैट कार्बन कन्वर्ट्स इनटू CO2 गैस, तो हम O2 लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे कंपाउंड है हमारे डेली लाइफ में आसपास जिनको अगर जलाया जाए तो CO2 गैस निकलेगी विच इज कलरलेस एंड ऑडरलेस एंड ब्लैक रेजिड्यू इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो इन कंपाउंड्स में ये कंफर्म करता है कि अगर CO2 गैस निकल रही हो, ब्लैक रेजिड्यू मिल रहा हो, तो इट कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ कार्बन। अब कार्बन जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, उसमें 6 तो उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर मींस हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यही नंबर क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। यानी इफ वी स्टडी कार्बन एटम तो कार्बन एटम्स कंटेन 6 प्रोटॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, ये इसका कंपोजिशन होगा। फॉर विच एलिमेंट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, 6C12, ठीक है, 12 मीन्स मास नंबर एंड मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन। सिंस वी नो द प्रोटोन्स इज इक्वल टू एटोमिक नंबर मीन्स 6, सो द न्यूट्रॉन विल बी कम आउट एज 6 एंड कार्बन हैज 2 आइसोटॉप्स, 6C12 एंड 6C14। वॉट आर द आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स मीन्स सेम एटॉमिक नंबर लिख दूं मैं, या सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि ये वाला जो नंबर है ये अगर सेम है तो द एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज आइसोटॉप्स। ओके, नाउ वी मूव फर्दर कि ऑल लिविंग स्ट्रक्चर हैज इज कार्बन बेस्ड, यानी हमारे आसपास जो प्लांट्स हैं, जो लिविंग बॉडीज हैं, ह्यूमन बॉडीज हैं, इसके अलावा एनिमल बॉडीज हैं, ठीक है, दे ऑल स्ट्रक्चर इज कार्बन बेस्ड स्ट्रक्चर, सभी में कार्बन पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम कार्बन की बात करें अर्थ क्रस्ट में, तो अर्थ क्रस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 0.02% ऑफ कार्बन इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ मिनरल एंड सेवरल कंपाउंड्स। ओके, इन एटमोस्फेयर CO2 इज प्रेजेंट, सो इट हैज एटमोस्फेयर, हमारे आसपास जो माहौल है, एयर है, उसमें 0.03% कार्बन होता है डेटा वाइज, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स हैज कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, कार्बन कंपाउंड्स मोस्टली दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर आपने आयनिक कंपाउंड्स पढ़ा हो तो आयनिक कंपाउंड बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिकॉज ऑफ द आयंस। इसके विपरीत अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हैं तो कोवेलेंट कंपाउंड मोस्टली आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है कि अगर हम इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते। यदि कोई कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो कंडक्टर है, नहीं करता है तो नॉन कंडक्टर है। तो मोस्टली दीज कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा कोवेलेंट कंपाउंड की और क्या खासियत है कि देर इज लो मेल्टिंग पॉइंट, दीज आर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर हम किसी सॉलिड को पिघलाते हैं तो वो होता है मेल्टिंग पॉइंट,
जिस टेम्परेचर पर पिघलना चालू करता है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, व्हाट इज मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट, कि अगर हम किसी लिक्विड को बॉइल करें जिस टेम्परेचर पर बॉइल करना स्टार्ट करेगा दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट. तो ये दोनों चीजें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है कोवेलेंट कंपाउंड्स की. और ये क्यों लो होती है, बिकॉज कि जो मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं वहां पर उनके बीच में आपस में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वीक होता है. अगर मान लो एक मॉलिक्यूल मेरे पास ए है, दूसरा मॉलिक्यूल ए है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है. अगर अट्रैक्शन फोर्स वीक हुआ तो क्या होगा कि जैसे ही मैं इसे गर्म करूंगा, हीट अप करूंगा, तो हीटिंग करने से बॉन्ड ब्रेक होगा. ठीक है, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो मॉलिक्यूल विल बिकम फ्री. तो ऐसा होगा, अगर ये सॉलिड है तो इजीली ये टूटकर, बॉन्ड टूटकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये लिक्विड है तो इजीली टूट के वेपराइज हो जाएगा. तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड होते हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. अगर अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज वीकर देन द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट विल बी लोअर. तो ये जुड़ा हुआ है सीधा किसे, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. तो हमने क्या जाना कि कार्बन कंपाउंड मोस्टली दे आर हैविंग वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बोथ आर वेरी लो. ये हमने इसमें जाना, दीज आर नॉन कंडक्टर्स. तो जैसा कि हमने देखा कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है दे आर हैविंग वीक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड दैट्स व्हाई देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज लो. दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल, मिथेन गैस CH4. सिंस इट इज कंटेनिंग कार्बन एटम, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड. द कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके अलग से चैप्टर है, ठीक है, अलग से एक सेक्शन है जेई की तैयारी के दौरान. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसको बोलते हैं जिसमें कार्बन पाया जाता है. हम यहां से देख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इज 90 केल्विन इफ आई कन्वर्ट इन डिग्री सेंटीग्रेड. अगर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना हो तो हम उसमें जोड़ देते हैं 273, और यदि केल्विन को बदलना हो तो उसमें से माइनस कर देते हैं 273. इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट इसका नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा डिग्री सेंटीग्रेड के टर्म्स में. ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी जो है इसका नेगेटिव में आएगा. तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होने की वजह अपन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ही वीक है. अब कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 6. ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 6. अगर हम आपबाउ प्रिंसिपल से इसको भरते हैं तो इसका कन्फिग्रेशन आता है 1s2 2s2 2p2. एस जो सबशेल है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसमें 2 भरे जा सकते हैं, पी में 6 भरे जा सकते हैं. ठीक, तो पी की कैपेसिटी कितनी भरने की है, 6 की, इनकी 2 2. तो मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉनों में भरना चालू करता हूं 1s2 2s2 2p2. अब यदि मैं आउटर मोस्ट शेल देखूं, आउटर मोस्ट ये 2 वाला, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल हैज 4 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और ये जो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है इन्हीं को हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं अपन, कि विच पार्टिसिपेट्स इन बॉन्डिंग. व्हाट आर द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट्स इन बॉन्डिंग. यानी कि अगर किसी एटम में, जिसे मान लो एटॉमिक नंबर 55 है, तो ऐसा नहीं कि 55 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे. उनमें से जो नॉर्मली आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहर वाला जो शेल है, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है. तो कंक्लूजन ये हुआ कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, दीज आर द बैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग. अब बॉन्डिंग के दौरान होता क्या है, बॉन्डिंग के दौरान एलिमेंट क्या करते हैं, दे ट्राई टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन. अब नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन जैसा क्यों बनना चाहते हैं, बिकॉज पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट होते हैं नोबल गैस. ठीक है, नोबल गैस अपन बोलते हैं, इनर्ट गैस ही बोल सकते हैं अपन इनको. इनर्ट इसलिए कि रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ना इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं. तो नोबल गैस जो है मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती है, और बाकी जो एलिमेंट है वो कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है. तो नोबल गैस मोनो एटॉमिक फॉर्म में अकेले भी इसलिए रह सकते हैं बिकॉज दे आर हाईली स्टेबल. तो एलिमेंट बॉन्डिंग के दौरान क्या कोशिश करते हैं
कि दे वांट टू अटेंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस के जैसा होना चाहते हैं, ठीक है। अब हमें ये पता है कि नोबल गैसेस आर हाईली स्टेबल। व्हाई नोबल गैसेस आर हाईली स्टेबल? बिकॉज दे आर हैविंग फुली फिल्ड स्ट्रक्चर। फुली फिल्ड स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं, ठीक है, शेल में, उतने इलेक्ट्रॉन उसमें भर गए। जैसे 1s में पूरे दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो के दो आ गए तो भरा हुआ है। यह हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है। इसके नीचे की नोबल गैस नियोन, उसमें 1s2, 2s2, 2p6, ये पूरा भरा हुआ है सेकेंड शेल, ठीक है। आर्गन में अपन आ गए हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल है। तो इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे दो, ठीक है, इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे 8, इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे 8। तो नोबल गैस में एक्सेप्शन है हीलियम। हीलियम गैस में दो ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वैलेंसी शेल में, और अदर जो नोबल गैसेस हैं हीलियम के अलावा, हीलियम में दो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे और अदर नोबल गैस में होंगे 8। हीलियम में दो और अदर नोबल गैस में 8। तो हर एलिमेंट क्या कोशिश करता है कि वो या तो उसके नजदीकी जो इनर्ट गैस है उसके जैसा हो जाए। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के नजदीक वाली इनर्ट गैस है हीलियम, तो हाइड्रोजन होना चाहता है हीलियम के जैसा, ठीक है। और अगर दूसरे एलिमेंट देखूं मैं तो वो होना चाहते हैं उसके नजदीकी इनर्ट गैस। तो कार्बन को अगर मैं देखूं तो कार्बन वाला जो पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो कार्बन जो है वो किसके जैसा होना चाहता है? नियोन के जैसा, उसके कोरेस्पॉन्डिंग पीरियड में जो एलिमेंट है। ऐसे नाइट्रोजन भी नियोन जैसा होना चाहेगा, ऑक्सीजन नियोन जैसा, फ्लोरीन नियोन जैसा। क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि इस पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा एलिमेंट है? नोबल गैस एलिमेंट। अब हमें यह पता लग गया कि कार्बन जो एलिमेंट है, कार्बन इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो इसके नजदीकी जो इनर्ट गैस है नियोन, नियोन इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी शेल। तो इसको अटेंड करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन, इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इट इज ऑलरेडी हैविंग। इसकी नियरेस्ट इनर्ट गैस जो है नियोन, इट इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी शेल। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, सो दैट इट गेन्स स्टेबिलिटी, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकते हैं? कि यदि मैं कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो C-4 हो जाएगा। अगर मैं कार्बन में से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो C+4 हो जाएगा। बोथ प्रोसेसेस आर वेरी डिफिकल्ट। ऐसे क्यों है कि ये बहुत डिफिकल्ट है? अगर मैं कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो पहले C- बनेगा, फिर मैं 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ूं तो C-2 बनेगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ूं C-3, फिर उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ूं C-4। अब हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते जा रहे हैं और नेगेटिव चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं। इस C- के सामने इलेक्ट्रॉन को लाऊंगा तो सिंस दीज टू आर हैविंग सिमिलर चार्ज और सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है, तो होगा क्या कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे रिपल्शन बढ़ता जाएगा, और रिपल्शन बढ़ता जाएगा तो फॉर्मेशन ऑफ C-4 इज वेरी डिफिकल्ट। ऐसे ही मैं कहूं कि कार्बन में से मैं इलेक्ट्रॉन निकालता गया, पहले C+ बना, फिर C++, ठीक है ना, C+3, और फिर उसके बाद C+4। अब क्या होता है कि वेन वी रिमूव इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। मान लो कार्बन इतना बड़ा था, ठीक है, तो कार्बन प्लस है ना छोटा हो जाएगा, फिर कार्बन+2 और छोटा हो जाएगा, कार्बन+3 और छोटा, और कार्बन+4 और छोटा। अब क्या होगा कि जैसे जैसे यहां पे अगर अपन देखें कि साइज कम होती जाएगी तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो इसमें पड़े हुए हैं वो न्यूक्लियस के क्लोज आते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के क्लोज आता गया तो इस पर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और इसको बाहर निकालना मुश्किल होता जाएगा। तो व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम कार्बन? द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस तो इलेक्ट्रॉन कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस, एंड व्हेन इट कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस द मोर अट्रैक्शन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड द रिमूवल फर्दर इज बिकम वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो
कार्बन को अगर आयंस बनाना था तो ये चार इलेक्ट्रॉन लेकर नियोन बनता या चार देकर नियोन बनता, दोनों प्रोसेस में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी, तो इसका मतलब ये आयन नहीं बनाएगा, सो दैट इट बिकम्स लाइक नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब अगर ये आयन नहीं बनाता, इसका मतलब आयनिक कंपाउंड तो नहीं बनाएगा, तो कार्बन किसको प्रिफर करता है? कार्बन प्रिफर्स फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि आयंस नहीं बना सकता, आयंस ये नहीं बना सकता क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन जोड़ना, चार निकालना, दोनों ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, तो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाकर ये प्रिफर करता है कोवेलेंट बॉन्ड को। और अब हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि इफ कार्बन अटेन्स फोर इलेक्ट्रॉन, कार्बन गेन्स फोर इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स सी माइनस फोर, एंड इफ इट बिकम्स सी माइनस फोर, दैट मीन्स द कार्बन वॉज हैविंग सिक्स प्रोटोन इन द न्यूक्लियस एंड इट विल बी हैविंग टेन इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट इफ इट गेन्स फोर इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ओरिजिनली द कार्बन वॉज हैविंग सिक्स इलेक्ट्रॉन, और अगर सी माइनस फोर ले लेते हैं तो सिक्स प्लस फोर ये हो जाएंगे टेन इलेक्ट्रॉन। Now, six proton will hold 10 electrons around them, so it is difficult to hold. So that's why carbon minus 4 is not formed easily. Second thing, ki carbon cannot form C plus 4 because removal of 4 electron is very difficult and in this process, large amount of energy will be required. So hum pehle hi bol chuke hain ki these two ions formation is very difficult, so they will not be formed. अब जब ये आयन नहीं फॉर्म करता तो कार्बन विल प्रिफर शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी एंड देन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। एंड व्हाई कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड? टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, एज वी हैव टॉक्ड अबाउट कि व्हाट इज नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इनर गैस कॉन्फिगरेशन मीन्स एट इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, मीन्स एट इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी शेल। तो कार्बन के पास चार थे तो आठ उसके पास होने चाहिए, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, वी अंडरस्टैंड फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय फर्स्ट एग्जांपल हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन एलिमेंट इज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, सो कॉन्फिगरेशन इज 1s1। इट इज हैविंग वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन के शेल, फर्स्ट शेल n इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड एज के शेल, ठीक है। नाउ हाइड्रोजन नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू गेन इनर्ट गैस लाइक कॉन्फिगरेशन। And which is nearest inert gas? The nearest inert gas to hydrogen is helium, having configuration 1s2, means there are two valence electrons. तो हाइड्रोजन के पास वन इलेक्ट्रॉन है और इसको नियरेस्ट इनर्ट गैस जैसा बनने के लिए एक और की आवश्यकता है ताकि दो हो जाए और ये नोबल गैस जैसा बन जाए। तो ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये बॉन्डिंग के लिए आते हैं इस तरीके से, दे विल शेयर देयर वन वन इलेक्ट्रॉन, ओके। एंड वॉट विल हैपन कि दीज टू इलेक्ट्रॉन विल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ईच हाइड्रोजन एटम, यानी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था ही, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसके पास काउंट होगा, तो दो इलेक्ट्रॉन इसके पास और दो ही इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब चूंकि ये दो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में शेयर्ड है तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम बोलेंगे दीज आर कॉल्ड एज शेयर इलेक्ट्रॉन। और इनके बीच का बॉन्ड अपन दिखाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड मीन्स देर आर टू इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन दीज टू एटम्स, ये दो इलेक्ट्रॉन दे आर कॉल्ड अ सिंगल बॉन्ड। सो दिस इज कॉल्ड अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड दिस सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। तो इस बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कहीं दिख जाएगा आपको तो आप उसको सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं, साइन ये है और बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं क्लोरीन का, Cl2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन गैस होती है, दैट इज फाउंड इन Cl2 फॉर्म। क्लोरीन जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर है 17। कॉन्फिगरेशन अगर मैं देखूं तो 1s2 2s2 2p6 एंड आउटर मोस्ट 3s2 3p5। सो आउटर मोस्ट शेल इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स एज ए टोटल, सो इट इज हैविंग 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू गेन नोबल गैस। इसकी नजदीकी नोबल गैस है आर्गन, आर्गन में जेड इज इक्वल टू 18। तो इफ ही वांट्स टू अटेन कॉन्फिगरेशन लाइक नोबल गैस, इट नीड्स वन मोर इलेक्ट्रॉन, 17 से 18 होने के लिए वन इलेक्ट्रॉन। आर्गन हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी शेल, 8 इलेक्ट्रॉन
एज ए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन इज हैविंग 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन को बना रहा हूं मैं इस तरीके से, हमारे पास 2 क्लोरीन है अलग अलग, ठीक है. इनके पास ये मैंने बनाए 7 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन के पास वैलेंसी शेल ही बनाते हैं सर, ठीक है. मैं कौन से इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे से बॉन्डिंग के लिए आएंगे. तो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन इनका है ये शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग करेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, ठीक है. यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लाया था, एक क्लोरीन ये लाया था. अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया. शेयर करने से क्या हुआ कि जब क्लोरीन के पास मैं देखूं तो ये 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 2, 4, 6, 8, और इस क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 4, 6, 8. ऐसा करने पे दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. ऑक्टेट मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाने को बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीशन. तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया. क्या होगा कि जब ये दोनों बनेंगे तो चूंकि दो ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड. और अब मैं इसके आसपास इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो 2, 4, 6, 8 एंड सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन क्लोरीन. तो हाउ टू क्लोरीन एटम्स आर जॉइंड विद ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1-1 इलेक्ट्रॉन ईच. अगर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, और 3-3 करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड. तो नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं ऑक्सीजन का, एंड ऑक्सीजन हैज एटॉमिक नंबर एज 8. इफ आई फिल 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2, 2p4, द आउटर मोस्ट इज हैविंग 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, so it needs 2 more electron to attain noble gas like configuration. Now since it is having 6 electron and it needs 2 more electron, so if 2 oxygen atom approach towards each other, so I am drawing valence electron of 1 oxygen as cross and other as a dot, okay. So they are saving, the different sign is only to represent the structure correctly. Otherwise, the electron is represented by dot or either cross. Okay. So, each atom is bringing 2 electron to share. Now, the sharing of these 2 electron with each other will take place. And what will happen? That these 2 electron are shared with this atom, and these 2 electron shared with this atom. So, after sharing of 2-2 electron each oxygen will be having 8 electron, each oxygen having 8 electron. So, we can say that both have completed their octet, means 8 electron both are having. If I represent 2-2 electrons are shared, so it is represented by double bond. Double bond means there are 4 electron, 2 electron, 2 electron means 4 electron. These 2 electron, this pair is called as bond pair, and the electron which are not shared with other atom is called as lone pair. So each oxygen is having 2 lone pair and 2 bond pair. Okay. Double bond means 4 electron, and in each double bond one bond is sigma while second one is pi bond. तो हर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई आप काउंट करोगे, ठीक. ये ओवरलैपिंग से आपकी 11th क्लास में समझा जाएगा कि हाउ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ठीक. ये यहां पे नहीं समझा रहा हूं मैं. नाउ वी आर सीइंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मीन्स 2 हाइड्रोजन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच, एंड थर्ड एटम इज ऑक्सीजन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी शेल. Now hydrogen wants to attain configuration like helium, and oxygen wants to attain configuration like neon, nearest noble gas. In oxygen 6 electrons are there, it needs 2 electron. In hydrogen 1 electron is there, it needs 1 electron more so that it attains configuration like helium gas. Now this 1 electron will shared with 1 electron of oxygen, and this 1 electron will shared with 1 electron of oxygen atom. So in this way, hydrogen will be having 2 electron like helium, this hydrogen having 2 electron like of helium, and now oxygen is having
8 इलेक्ट्रॉन बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन वॉज शेयर हियर एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन इज शेयर विद दिस सो 8 इलेक्ट्रॉन हैज बीन अटैच्ड. हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद सिंगल बॉन्ड दीज टू इलेक्ट्रॉन आर दिस सिंगल बॉन्ड दीज टू इलेक्ट्रॉन आर दिस सिंगल बॉन्ड एंड दीज आर टू लोन पेयर विच आर शोन हियर. सो दिस इज बॉन्ड पेयर दिस इज बॉन्ड पेयर एंड दीज टू आर लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. ठीक है, करेक्ट स्ट्रक्चर इसका हम कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से. यह आपके 11th क्लास में होगा स्ट्रक्चर का. ये लोन पेयर मैंने इस तरीके से दिखा दिया. अब अगर अपन आते हैं नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड एन. ईच नाइट्रोजन हैविंग एटॉमिक नंबर 7 मींस 1s2 2s2 2p3. नाउ द वैलेंसी शेल इज हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन. सिंस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आर 5 इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन मोर. वाई 3 इलेक्ट्रॉन मोर टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. सो टू नाइट्रोजन एटम्स ईच ब्रिंगिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स. सो द शेयरिंग ऑफ 3-3 इलेक्ट्रॉन ईच विल टेक प्लेस एंड बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ 3-3 इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड दिस इज 1 लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम दिस इज 1 लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम. इन ईच ट्रिपल बॉन्ड व्हाट हैपेंस, 1 बॉन्ड इज सिग्मा एंड अदर 2 बॉन्ड्स आर पाई. सो इन ट्रिपल बॉन्ड 1 बॉन्ड इज सिग्मा एंड 2 बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड.